मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती हैं, हौसलों से उड़ान होती हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किशन भाई। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि उसमें बहुत सराहनीय आपने जितना रिस्पॉन्स दिया वो बहुत ज़्यादा था कि सर और भी वीडियो बनाई। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, अंग्रेजी का ही और सी का प्रयोग। तो आइए बच्चों, बहुत बेसिक से मैं आपको सिखाता हूँ ही और सी का प्रयोग। वैसे कि ये क्लास 7 से लेकर के यानी कि 6 से लेकर के आप 12 तक भी सीख सकते ही और सी का प्रयोग बहुत आसान तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं अपन, टॉपिक लगाते ही और से का प्रयोग। सबसे पहले बेसिक से लेते हैं अपन, यानी कि एच ई का मतलब होता है ही, यानी व। अब जैसे व का प्रयोग किसके लिए करते हैं, यानी कि व होता है आदमी के लिए। जैसे यहाँ कोई पुरुष है या फिर आदमी के लिए अपन प्रयोग करेंगे, यानी कि आदमी कितने बहुत सारे हैं उसके लिए करेंगे या फिर एक वचन के लिए। जैसे कि अगर एक आदमी है तो उसके लिए एक वचन के लिए प्रयोग में लेंगे ही, यानी कि एक वचन के लिए। उसके बाद में एच एच ई यानी कि व, ये करते हैं स्त्री के लिए, यानी कि स्त्री के लिए इसको लगेंगे प्रयोग में। ये भी किसके लिए लगता है, एक वचन के लिए, ही और सी। उसके बाद में आता है इज, आई एस इज, यानी कि इज यानी है। ये भी किसके लिए प्रयोग में लेंगे, एक वचन के लिए। अगर कोई भी आदमी है तो उसके लिए इज का प्रयोग, यानी कि है। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहले अपन बेसिक से शुरू कर रहे हैं, यानी कि पहला एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो पहला एग्जांपल है कि वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि लड़का है तो यहां से अपन को पता चल रहा है लिंग का, तो यानी कि पुरुष है या फिर स्त्री। तो सबसे पहले बताइए, देखिए आदमी के अंदर आ रहा है यानी कि लड़का, यहाँ पर किसमें हो जाएगा, एक वचन है तो एक वचन में यहाँ चला जाएगा किसमें, व। तो ही लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, ही, एच ई, ही इज लगाएंगे हैं के लिए, इज एक वचन के, यानी कि एक वचन है तो अ लगा दिया अपन ने, अ लड़के को बोलते हैं बॉय, क्या बोलते हैं दोस्तों, बॉय। तो पढ़िए, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। जैसे कोई लड़का है, वह एक लड़का है, तो इसको क्या बोलेंगे, ही इज अ बॉय। दूसरा सेंटेंस है आपके सामने, वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, इसको कैसे लिखेंगे, सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल। तीसरा सेंटेंस लेता हूं आपके सामने, वह एक आदमी है। तो आदमी को क्या बोलते हैं दोस्तों, मेन, तो किसमें आ जाएगा, ही, यानी कि मेल है, इसलिए ही में चला जाएगा, यानी कि एक वचन में। तो लिखेंगे ही इज अ मैन, ही इज अ मैन, ही इज अ मैन। नेक्स्ट लिखते हैं, वह एक महिला है। तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, सी इज अ यानी लेडी, लेडी बोलते हैं महिला को, एल ए डी वाई, सी इज अ लेडी। ठीक है दोस्तों,